नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी कर्नाटका केरल रीजन ने कांस्टेबल जीडी के एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो इंडियन नेवी ने एमआर एग्जाम 2018 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। एसबीआई ने क्लर्क वैकेंसी 2018 की वेटिंग लिस्ट विद मार्क्स रिलीज कर दी है। कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट 02/2019 ग्रुप 7 और ग्रुप 8 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। UGVCL यानी कि उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड ने विद्युत सहायक जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप सी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब बात करते हैं आंसर कीज की। केरला TET जनवरी 2019 के आंसर की रिलीज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टेट सर्विस प्री एग्जाम के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की आंसर की रिलीज कर दी हैं। अदर न्यूज़ की अगर बात करें तो तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नर्स रिक्रूटमेंट 2019 की अप्लाई ऑनलाइन डेट एक्सटेंड कर दी है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2019 की अप्लाई ऑनलाइन डेट 27 फरवरी 2019 को कर दी है। लास्ट डेट 15 मार्च 2019 को कर दी है और लास्ट डेट टू सबमिट हार्ड कॉपी 25 मार्च 2019 को कर दिया है। वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फैकल्टी मैनेजर ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2019 की लास्ट डेट एक्सटेंड करके 10 मार्च 2019 कर दी है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट्स आपके लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।